हेतु साधन की परिभाषा। अनुमान वाक्य का मुख्य आधार हेतु होता है, क्योंकि हेतु साधन को देखकर ही साध्य का ज्ञान किया जाता है। हेतु का स्वरूप कैसा हो, इस विषय में दार्शनिकों में मतभेद पाया जाता है। जैन दर्शन में हेतु को परिभाषित करते हुए कहा गया है, निश्चित साध्या विनाभावी साधनम, साधन वचनम हेतु हो। जो निश्चित रूप से साध्य का अविनाभावी अर्थात साध्य के बिना नहीं होने वाला होता है, उसे साधन कहते हैं, और साधन के कथन का नाम हेतु है। इस प्रकार जैन तार्किकों ने हेतु का एकमात्र लक्षण अविनाभाव माना है। हेतु के प्रकार। जैन दर्शन के अनुसार हेतु का एकमात्र लक्षण अविनाभाव है। अविनाभाव के दो रूप हैं, सहभाव अविनाभाव और क्रम भाव अविनाभाव। सहभाव अविनाभाव, सहभाव अर्थात साथ में होना, यह सहभाव भी सहचर और व्याप्य व्यापक के भेद से दो प्रकार का होता है। पहला, सहचरों का सहभाव, जैसे फल में रूप और रस सहचारी है। रूप और रस साथ साथ रहते हैं, जहां रूप होगा वहां रस होगा, जहां रस होगा वहां रूप होगा ही। रस के बिना रूप नहीं हो सकता और रूप के बिना रस नहीं हो सकता। जैसे आम में रूप भी है रस भी है, रूप और रस का अविनाभाव है। दूसरा, व्याप्य व्यापक का सहभाव, जैसे वृक्षत्व व्यापक है और चंदनत्व व्याप्य है। व्यापक और व्याप्य का सहभाव होता है। वृक्षत्व व्यापक है क्योंकि वृक्षत्व सभी वृक्षों में पाया जाता है, तथा चंदनत्व व्याप्य है क्योंकि वह सभी वृक्षों में नहीं, केवल चंदन के वृक्षों में ही पाया जाता है। जहां जहां चंदनत्व होगा वहां वहां वृक्षत्व होगा ही। अतः चंदनत्व और वृक्षत्व में व्याप्य व्यापक सहभाव है। दूसरा, क्रम भाव अविनाभाव। क्रम भाव अर्थात क्रम से होना, यह भी पूर्वचर और उत्तरचर तथा कारण और कार्य के भेद से दो प्रकार का है। पहला, पूर्वचर और उत्तरचर का क्रम भाव, जैसे रविवार के बाद सोमवार आता है, इसमें रविवार और सोमवार में क्रम भाव है। रविवार सोमवार के पूर्व में आता है और सोमवार रविवार के बाद आता है। सोमवार से पूर्व रविवार आता है, यह पूर्वचर क्रम भाव का उदाहरण है, तथा सोमवार रविवार के पश्चात आता है, यह उत्तरचर क्रम भाव का उदाहरण है। रविवार और सोमवार में अविनाभाव है। दूसरा, कारण और कार्य का क्रम भाव, जैसे अग्नि कारण है, धूम उसका कार्य है। यहाँ कारण और कार्य में क्रम भाव है। कारण हमेशा पहले होता है तथा कार्य हमेशा बाद में। अग्नि कारण है, वह पहले होती है, और धुआं कार्य है जो बाद में होता है। अग्नि और धुएं में क्रम भाव अविनाभाव है। हेत्वाभास, अनुमान की प्रामाणिकता अर्थात यथार्थता के लिए उसमें प्रयुक्त हेतु का निर्दोष होना आवश्यक है। यदि हेतु निर्दोष नहीं होता तो वह हेतु फिर हेतु न रहकर हेत्वाभास बन जाता है। अतः निर्दोष हेतु को समझने के साथ साथ हेत्वाभास को भी समझना आवश्यक है। प्रायः हम व्यवहार में सही और गलत दोनों प्रकार के हेतुओं का प्रयोग करते हैं। सद हेतु के प्रयोग से कठिन बात भी सरलता से समझी जा सकती है, किंतु असद हेतु के प्रयोग करने पर सरल बात भी जटिल हो जाती है। उदाहरणतः कोई कहे, विद्या से अज्ञान का नाश होता है,
यहाँ विद्या सद हेतु है, अतः विद्या के द्वारा अज्ञान का नाश होना सरलता से समझा जा सकता है। इसके विपरीत यदि यह कहा जाए कि विद्या से अज्ञान की वृद्धि होती है, तो यहाँ विद्या असत हेतु होगा, क्योंकि विद्या से अज्ञान की वृद्धि नहीं होती। इस प्रकार सद हेतु और असद हेतु का प्रयोग सृष्टि के अनादिकाल से चला आ रहा है। साधारण व्यक्ति इसके लक्षण आदि से भले ही परिचित न हो, पर व्यवहार में इनका प्रयोग अवश्य करता है। असद हेतु को ही हेत्वाभास कहते हैं, अतः हेतु के साथ साथ हेत्वाभास का ज्ञान होना भी आवश्यक है। हेत्वाभास की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जा सकती है। पहली हेतोराभास हेत्वाभासा, जहां हेतु वास्तविक नहीं होता किंतु हेतु का आभास मात्र होता है, वह हेत्वाभास है। दूसरी हेतुवद आभासंते इति हेत्वाभासाः, जो हेतु की तरह प्रतीत होते हैं किंतु हेतु के वास्तविक लक्षण से शून्य होते हैं, उनको हेत्वाभास कहा जाता है। हेत्वाभास के प्रकार। हेत्वाभास कितने प्रकार का होता है, इस विषय में दार्शनिकों में एक मत नहीं है, पर कम से कम तीन हेत्वाभासों की चर्चा सभी ने की है। असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, अनेकांतिक हेत्वाभास। पहला असिद्ध हेत्वाभास। भिक्षु न्याय कर्णिका में असिद्ध हेत्वाभास को परिभाषित करते हुए लिखा गया, अप्रतीयमान स्वरूपो असिद्ध। जिस हेतु का अपने साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित नहीं होता, वह हेतु असिद्ध हेत्वाभास कहलाता है। जैसे अनित्य शब्द चाक्षुस्त्वात्, शब्द अनित्य है क्योंकि वह चाक्षुष आंखों का विषय है। इस अनुमान में चाक्षुष हेतु असिद्ध है क्योंकि चक्षु का विषय रूप है न कि शब्द, अतः चाक्षुष हेतु का अपने साध्य शब्द के साथ अविनाभाव न होने के कारण चाक्षुषत्व हेतु असिद्ध हेतु है। दूसरा विरुद्ध हेत्वाभास। विरुद्ध हेत्वाभास को परिभाषित करते हुए लिखा गया, साध्य विपरीत व्याप्तो विरुद्ध। जिस हेतु का अविनाभाव साध्य के साथ न होकर साध्य से विपरीत के साथ हो, अर्थात जो साध्य के बिना भी होता हो, वह विरुद्ध हेत्वाभास है। जैसे नित्यः शब्दः कार्यत्वात्, शब्द नित्य है क्योंकि वह कार्य है। इस अनुमान में कार्यत्व हेतु विरुद्ध है क्योंकि कार्यत्व हेतु नित्यत्व साध्य से विपरीत अनित्यत्व साध्य के होने पर हो सकता है, जबकि प्रस्तुत अनुमान में साध्य तो शब्द का नित्यत्व सिद्ध करना है और कार्यत्व हेतु अनित्यत्व का अविनाभावी होने के कारण एक विरुद्ध हेतु है। तीसरा अनेकांतिक हेत्वाभास। अनेकांतिक हेत्वाभास को परिभाषित करते हुए कहा गया, अन्यथा अप्युपपद्यमानो अनेकांतिकः, जो हेतु साध्य के अतिरिक्त दूसरे साध्य में भी पाया जाए, वह अनेकांतिक हेत्वाभास है। यथा अनित्य शब्दः प्रमेयत्वात्, शब्द अनित्य है क्योंकि वह प्रमेय है। इस अनुमान में प्रयुक्त प्रमेयत्व हेतु का अनित्यत्व साध्य के साथ अविनाभाव सिद्ध नहीं है, क्योंकि प्रमेयत्व हेतु नित्यत्व साध्य आकाश आत्मा आदि में भी होता है। अतः प्रमेयत्व हेतु अनेकांतिक है क्योंकि प्रमेय न केवल अनित्य अपितु नित्य भी होते हैं। इस प्रकार हेत्वाभास के स्वरूप को समझ लेने पर हेतु के स्वरूप को समझ लेना सुगम हो जाता है। जैन तार्किकों ने हेतु का लक्षण एकमात्र अविनाभाव को माना है।
अविनाभाव हेतु के द्वारा ही साध्य का सही अनुमान किया जा सकता है। साध्य का स्वरूप, साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। अतः साधन को समझने के साथ साथ साध्य को समझना भी आवश्यक है। साध्य को परिभाषित करते हुए भिक्षु न्याय कर्णिका में लिखा, शिशाधयी शितम साध्यम। आचार्य हेमचंद्र ने साध्य के लिए कहा कि वादी जिसे सिद्ध करना चाहता हो, प्रतिवादी को जो सिद्ध न हो और जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से बाधित न हो, वह साध्य कहलाता है। इस प्रकार साध्य की इस परिभाषा में तीन बातें फलित होती हैं। पहली, वादी जिसे सिद्ध करना चाहता है वह साध्य है, जिसे सिद्ध करना नहीं चाहता है वह साध्य नहीं होता है। दूसरा, साध्य प्रतिवादी को पहले से असिद्ध होना चाहिए, अर्थात जिसमें संशय विपर्यय आदि हो वही साध्य होता है। यदि प्रतिवादी को वह सिद्ध है अर्थात मान्य है, तो उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तीसरा, साध्य प्रत्यक्ष अनुमान आगम आदि प्रमाणों से बाधित नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा हो सकती है कि धर्म अर्थात अग्नि को साध्य माना जाता है, या धर्म धर्मी के समुदाय अर्थात अग्नि धर्म से युक्त पर्वत को साध्य माना जाता है। इसके समाधान में कहा गया है कि व्याप्ति काल में धर्म अग्नि को साध्य माना जाता है, और अनुमान प्रयोग में धर्म धर्मी के जाता है।